हेलो फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्लास मिल्क, बादाम ड्रिंक मिक्स और थोड़ा सा नारियल पाउडर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मिल्क गर्म हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। आफ्टर 5 मिनट इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर से इसका आइसक्रीम का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नारियल पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नारियल पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार शुगर ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 5-6 मिनट बाद ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच नारियल पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बादाम ड्रिंक मिक्स। ये ओनली 5 रुपये का है और ये आपको मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाएगा। इससे जो हमारी आइसक्रीम है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम इसकी आइसक्रीम जमा लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स के रूप में मैंने यहाँ पे बादाम लिए। आप काजू बादाम कुछ भी ले सकते हैं। और अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। आफ्टर 7-8 घंटे ये देखिए आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी आइसक्रीम भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आइसक्रीम का स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा होता है। गर्मियों में आइसक्रीम बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।